सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहां पर हम एक मार्वल या डीसी कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी शेयर करते हैं। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है ओरिजिन स्टोरी ऑफ जॉय फिक्सिट, एके ग्रे हल्क, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करिए मेरे सब्सक्राइबर राजेश्वर हुडर ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। जॉय फिक्सिट यानी कि ग्रे हल्क की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी दी हल्क इशू 1 मई 1962 में। फिर बाद में इसकी स्टोरी को कंटिन्यू किया गया पिछले ही साल यानी 2023 में आई न्यू कॉमिक जॉय फिक्सिट में। एंड इस स्टोरी लाइन को 1962 में एक कॉमिक के बाद ही एग्जैक्ट कंटिन्यू किया गया है अभी 2023 में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले अपीयर होने वाला हल्क ग्रे कलर का था, ना कि ग्रीन कलर का। लेकिन लिमिटेड टेक्नोलॉजी के कारण प्रिंटिंग में बहुत इश्यू आता था, इसलिए उसे ग्रीन कलर का बना दिया गया। बट फिर क्रिएटर्स ने सोचा कि ग्रे हल्क की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है और उसे भी हमें कॉमिक्स में कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस तरह फिर उन्होंने ग्रे हल्क को वापस कॉमिक्स में लाया। और फिर इशू 345 में जब ग्रे हल्क लीडर से लड़ रहा होता है, तो लीडर बड़ी चलाकी से हल्क को एक एरिया में फंसा देता है जहां पर एक डेटोनेटर बॉम्ब रखा होता है, और वो बॉम्ब बहुत ही हाई रेंज में एक्सप्लोड होता है एंड हल्क उसी में मारा जाता है। एंड ये देखकर उसके बाकी के सभी दोस्त बिलीव नहीं कर पाते कि हल्क मारा जा चुका है। और फिर जब वो साइट पर पहुंचते हैं तो वहां पर सिर्फ हल्क की बॉडी का निशान ही मिलता है, जैसे कि एक परमाणु बम फटने के बाद इंसानों का मिलता था। और सब सोचते हैं कि हल्क मर चुका है, लेकिन ये सच नहीं था। एक्चुअली में उस वक्त ग्रे हल्क का परसोना ब्रूस पे हावी हो जाता है और वो वहां से बच निकलता है। एंड अब यहां पर वो दिन में भी हल्क बन सकता था। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे तो बता दो कि अपने शुरुआती दिनों में हल्क सिर्फ रात को ही हल्क बनता था। एंड ग्रे हल्क ने इस चीज को खत्म किया एंड उसने कम्प्लीटली ब्रूस ओवर पर टेक ओवर करके अपने आप को पूरी तरह से ग्रे हल्क में ट्रांसफॉर्म कर लिया एंड अपना नाम रख लिया जॉय फिक्सिट। एंड इसके बाद जॉय फिक्सिट वेगस चला जाता है एंड वहां जाकर वो माइकल नाम के एक बहुत ही बड़े गैम्बलर के साथ मिलकर उसके साथ काम करने लगता है एंड उसका बटलर बन जाता है। एंड ग्रे हल्क यानी कि जॉय फिक्सिट ग्रीन हल्क से बहुत ज्यादा डिफरेंट था, क्योंकि ये चीजों को स्मैश नहीं करता था और ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था एंड नॉर्मल लोगों की तरह ही बात करता था एंड अपने होशो आवाज में रहता था। बट इसकी पावर हल्क से आधी थी। एंड इसके बाद वेब ऑफ स्पाइडर की कॉमिक में स्पाइडरमैन जब कुछ गुंडों से लड़ रहा होता है तो वहां पर उसकी मुलाकात होती है जॉय फिक्सिट से। एंड स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस जॉय फिक्सिट को देखकर उसी वक्त पहचान लेती है कि ये हल्क है। एंड स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा शॉक होता है कि जॉय फिक्सिट ही हल्क है और हल्क अभी जिंदा है। एंड एग्जैक्ट इसी के बाद 2023 में इस कॉमिक को कंटिन्यू किया गया, जहां पर हमें पीटर लॉस वेगस के ही एक एयरपोर्ट में खड़ा हुआ दिखाई देता है एंड वहां पर वो एक न्यूज देख के सोच रहा होता है कि लोगों को ये नहीं पता कि जॉय फिक्सिट ही हल्क है। एंड यहाँ पर न्यूज में माइकल, जिसके लिए जॉय फिक्सिट काम कर रहा है, वो लोगों को न्यूज में बताता है कि जॉय फिक्सिट को एक रेयर डिजीज है जिसके कारण उसकी स्किन ग्रे कलर की अपीयर होती है। लेकिन लोगों का कहना था कि वो एक सुपर ह्यूमन है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है एंड वो नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड तभी पीटर पार्कर की स्पाइडर सेंस ट्विंकल करती है एंड वो मुड़कर देखता है लॉस वेगस में किंग पिन पहुंच चुका है। एंड इसके बाद इमीडिएटली पीटर वहां से गुजरता है एंड किंग पिन के शोल्डर के ऊपर टैप करता है, जिसके बाद किंग पिन पीटर का हाथ पकड़ कर कहता है कि अपने हाथ का ध्यान रखो बच्चे। एंड पीटर कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। एंड इसके बाद किंग पिन की नजर जाती है उसी न्यूज पे जहाँ पर जॉय फिक्सिट को दिखाया जाता है। एंड इसके बाद पीटर वहां से निकल जाता है एंड हमें रिवील होता है कि पीटर ने किंग पिन के शोल्डर पर अपना स्पाइडी ट्रैकर लगाया है ताकि वो उसकी बातें सुन सके और उसका पीछा कर सके। एंड फिर गाड़ी में बैठकर किंग पिन अपने बंदों को अपना प्लान बताता है कि वो यहाँ पर माइकल का कसीनो हथियाने आया है। एंड स्पाइडरमैन ये सभी बातें सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो उसका पीछा करता है। एंड इधर किंग पिन माइकल के पास पहुंचकर उसे अपना कसीनो आधा आधा बांटने को कहता है ताकि वो भी उस कसीनो का आधा मालिक बन सके, लेकिन माइकल इस पे मना कर देता है, जिस पे गुस्सा होकर किंग पिन उसका टेबल तोड़ देता है। एंड तभी वहां पर एंट्री होती है जॉय फिक्सिट की एंड उसे देखते ही किंग पिन का आदमी उस पर गोली चला देता है, लेकिन जॉय फिक्सिट को वो बुलेट छू कर बाउंस कर जाती है और जॉय हंसने लगता है। एंड फिर वो आदमी माइकल की ओर गन कर कहता है कि क्या ये भी बुलेट प्रूफ है। एंड तभी जॉय गुस्से में आकर कहता है कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो तुम यहां से जिंदा बाहर नहीं निकलोगे। इतने में स्पाइडरमैन के वेब आकर उस गन को ब्लॉक कर देते हैं एंड जॉय ऊपर देखता है कि वहां पर स्पाइडरमैन सीलिंग से चिपका हुआ है। एंड तभी जॉय उस आदमी को हाथ मारकर पीछे गिरा देता है एंड किंग पिन पूरी पावर से जॉय की ओर भागता हुआ आता है और उसे पंच करता है, लेकिन जॉय को कुछ भी फील नहीं होता क्योंकि जॉय किंग पिन से बहुत ज्यादा ताकतवर था। तो कंटिन्यूसली किंग पिन उस पर मुक्के बरसाता है बट जॉय के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता। एंड फिर जॉय किंग पिन का हाथ पकड़ता है एंड उसे ऊपर की ओर उठा के जोर से नीचे पटकता है और किंग पिन वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन जॉय यहीं पर नहीं रुकता, वो उसके बाद भी उसके ऊपर कई पंचेस बरसाता है एंड किंग पिन की हालत बहुत बुरी कर देता है। एंड इसके बाद उसे ह्यूमिलेट करने के लिए जॉय फिक्सिट किंग पिन को 5 अलग अलग भाषाओं में कहता है कि बोलो इट्स ओवर।
ओवर। एंड किंग पिन डर का मारा बोलता भी है और उसके बाद अपनी बेइज्जती करवा कर किंग पिन वहां से चला जाता है। एंड जॉय फिक्सिट स्पाइडरमैन का शुक्रिया करता है एंड माइकल भी। एंड उसके बाद गाड़ी में बैठ कर किंग पिन वापिस अपने बेस की ओर जा रहा होता है कि तभी उसका आदमी बताता है कि आपके ब्लीडिंग हो रही है सर। एंड किंग पिन गुस्से में आकर अपनी एल्बो से अपने ही आदमी की गर्दन तोड़ के उसे मार डालता है। एंड फिर वो कहता है कि मैं मिस्टर फिक्सिट को मार डालूंगा। एंड इसके बाद वो अपने एक साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि वो न्यूरोटॉक्सिन बनाकर दे। और न्यूरोटॉक्सिन के बारे में आप नहीं जानते तो बता दो कि इस गैस को किंग पिन अपनी छड़ी में रखता है एंड इस गैस को सूंघने वाला आदमी किंग पिन के कब्जे में आ जाता है एंड वो उससे कुछ भी करवा सकता है। एंड इधर हम देखते हैं जॉय फिक्सिट को जो कि कई सारी औरतों के साथ नजारे ले रहा है। वाह क्या जिंदगी है। एंड इधर पीटर किंग पिन को अपने सीसीटीवी कैमरा में देखता है उसी कैसीनो में घुसते हुए क्योंकि पीटर जानता था कि अभी किंग पिन चुप नहीं बैठेगा। एंड इधर जॉय भी किंग पिन को अंदर आते हुए देख लेता है और वो कहता है कि अब वो उसे दोबारा नॉकडाउन करेगा। एंड वहाँ किंग पिन कैसीनो में बैठा ड्रिंक ले रहा होता है तभी वहाँ पर जॉय आता है और किंग पिन उसे कहता है कि वो उसके लिए काम करे और वो उसे डबल पैसे देगा। एंड इसी बात पे जॉय अपने ड्रिंक किंग पिन के मुंह पर फेंकता है और उसे साफ करता हुआ किंग पिन मुस्कुराता है। एंड किंग पिन की हंसी देखकर जॉय बोलता है कि क्या अब तुम मुझे अपनी हंसी से मरोगे। बट तभी किंग पिन अपनी न्यूरोटॉक्सिन गैस रिलीज करता है और जॉय उसके कब्जे में आ जाता है। एंड किंग पिन कहता है कि इस जगह को तबाह कर दो और माइकल को मार डालो। एंड हल्क एग्जैक्टली ऐसा ही करता है, वो सारी चीजों को स्मैश करने लगता है। एंड ये आवाजें सुनकर पीटर समझ जाता है कि स्टैगले ने कुछ कर दिया है। एंड वो फटाफट से अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करके बाथरूम से कैसीनो के अंदर घुसता है एंड तभी वहां पर उसकी टक्कर होती है किंग पिन से। एंड वो किंग पिन को देखते ही एक पंच मारता हुआ कहता है कि तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा टकले, पहले मैं हल्क को संभाल लूं। एंड फिर स्पाइडरमैन जॉय फिक्सिट के साथ फाइट करने लगता है एंड उसे अपने वेब से बांध देता है। बट जॉय फिक्सिट बहुत ताकतवर था तो वो अपने आप को रिलीज कर लेता है। तभी वहां पर माइकल आकर जॉय से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। एंड माइकल को देखते ही जॉय उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है और माइकल को यहां से बाहर जाने के लिए बोलता है। एंड फिर स्पाइडरमैन एंड जॉय की फाइट होती है बट जॉय स्पाइडरमैन पे भारी पड़ता है। फिर स्पाइडरमैन पूछता है कि जॉय ये सब क्यों कर रहा है। तभी जॉय उस पर अटैक करने वाला होता है कि स्पाइडरमैन जोर से चिल्लाता है कि ब्रूस रुको। और ब्रूस का नाम सुनते ही जॉय फिक्सिट का सर घूमने लगता है एंड उसके अंदर ब्रूस बैनर की सबकॉन्शियस जाग उठती है। एंड फिर हम व्यू देखते हैं मिस्टर फिक्सिट के माइंड के अंदर का जहां पर ब्रूस जाग चुका है। एंड वो मिस्टर फिक्सिट से कहता है कि ये तुमने क्या किया, ये तुम क्या सूट बूट पहन के बैठे हो और ये मिस्टर फिक्सिट का क्या माजरा है और ये अब तुमने कौन सा नया परसोना ले लिया है, आखिर हो क्या रहा था, इतनी देर से मैं कहा था। तभी उन दोनों के बीच एक बड़ा पत्थर आकर गिरता है एंड मिस्टर फिक्सिट बताता है कि अभी सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और ब्रूस तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, अब से मैं लीडर हूँ। और मुझे एक बात बताओ, क्या शी हल्क भी हमारी तरह एक मॉन्स्टर है या फिर लीडर? बिल्कुल नहीं, वो अपने होश आवाज में है क्योंकि तुम्हारे अंदर ये मॉन्स्टर गामा रेडिएशन से भी पहले में बसा था और मैं वही मॉन्स्टर हूँ। और डेविल हल्क की तो बात भी नहीं करना। और अगर आप लोग डेविल हल्क के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि जब ब्रूस बैनर छोटा था तो उसने अपने अंदर ही एक डेविल हल्क नाम की एंटिटी को इमेजिनरी में इमेजिन करके रखा था जिससे कि वो अक्सर बातें करता था और वो एंटिटी हर वक्त छोटे ब्रूस को यही कहती थी कि वो उसे बाहर आने दे ताकि वो उसके फादर को मार डाले जो ब्रूस का इतना बुरा हाल करती है। लेकिन ब्रूस ने कभी भी उसे बाहर नहीं आने दिया। एंड यही बातें जॉय फिक्सिट ब्रूस को बताता है कि तुम हमारे बिना कुछ नहीं हो, मैं हल्क दोनों ही तुम्हारे पैदा किए हुए मॉन्स्टर्स हैं। और इसके बाद जॉय कूद कर छत तोड़ता हुआ कैसीनो से बाहर निकल जाता है। एंड स्पाइडरमैन ये देख के कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसे पता था आगे करना क्या है। वो किंगपिन को ट्रैक करता है जो कि अभी करंटली उसी साइंटिस्ट के पास है और उसे और ज्यादा इफेक्टिव न्यूरो गैस बनाने को बोल रहा है। एंड किंगपिन वहां से कैसीनो की ओर निकल जाता है एंड वो साइंटिस्ट अपना काम करना शुरू कर देता है। तभी वहां पर एंट्री होती है स्पाइडरमैन की जो कि किंगपिन को ट्रैक कर वहां पर पहुंच चुका था और वो साइंटिस्ट को कहता है कि मुझे जल्दी से अभी उस न्यूरो गैस का एंटीडोट बनाकर दे वरना वो उस साइंटिस्ट को यहीं पर मार डालेगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं अगेन ब्रूस बैनर के अंदर के माइंड का व्यू जहां पर जॉय फिक्सिट एंड ब्रूस की अभी भी फाइट चल रही है। और फिर जॉय फिक्सिट उठता है और ब्रूस को कहता है कि फाइन बैनर, तुम्हारी बॉडी तुमको मुबारक। और इसके बाद जैसा कि हमने देखा था कि जॉय फिक्सिट कूद कर वहां से निकला था तो वो अभी बीच ऊंचाई में ही ब्रूस को उसकी बॉडी दे देता है जिसके कारण ब्रूस जॉय फिक्सिट से वापस ब्रूस बन जाता है और अभी बहुत ही तेजी से वो नीचे अपनी मौत की ओर गिर रहा है। एंड थोड़ी देर बाद वो नीचे जमीन पर जा गिरता है एंड बहुत बड़ा गड्ढा वहां पर बन जाता है जैसे कि बॉम्ब फटा हो। एंड तभी इस गड्ढे में से एक ग्रे कलर का बड़ा हाथ निकलता है और हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर ने अगेन अपनी बॉडी जॉय फिक्सिट को दे दी है एंड वो जॉय फिक्सिट बन चुका है। एंड तभी वहां पर स्पाइडरमैन आता है और वो जॉय से पूछता है कि ब्रूस तुम ठीक हो। एंड ब्रूस का नाम सुनते ही वो भड़क जाता है तो स्पाइडरमैन बोलता है कि और मैं तुम्हें क्या बुलाऊं डार्लिंग।
एंड इसके बाद ब्रूस कहता है बस बहुत हुआ, अब से हम दोनों एक हैं। एंड इस तरह ब्रूस एंड जॉय फिक्सिट दोनों एक हो जाते हैं। एंड इधर हम देखते हैं किंग पिन को जो कि उस कैसीनो में पहुंचकर माइकल के बाकी के चेयरमैन के साथ मीटिंग कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि वो उसके शेयर भी उसे दे दे ताकि पूरी तरह से कैसीनो उसका हो जाए। तभी वहां पर एंट्री होती है जॉय फिक्सिट की जो कि स्पाइडरमैन को अपने कंधे पर बांध कर ले आया है और उसे किंग पिन के सामने फेंक देता है। एंड किंग पिन अभी भी यही सोच रहा था कि जॉय फिक्सिट उसी के कब्जे में है एंड वो इलेक्ट्रो को बोलता है कि स्पाइडरमैन का मास्क उतारे। एंड जब इलेक्ट्रो उसका मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन ने अपने मास्क के अंदर भी स्पाइडरमैन के मास्क जैसी ही पेंटिंग अपने फेस पर करी हुई है, बट सच में ये काफी क्रीपी है। एंड इसी बात का फायदा उठाकर पीटर जोरदार पंच इलेक्ट्रो को मारता है जो कि जाकर राइनो में लगता है एंड दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि जॉय फिक्सिट माइकल को वापस कैसीनो ले आया है और प्लीज पीटर भाई मास्क पहन लो, डर लग रहा है। और इधर राइनो अटैक करने वाला आता है लेकिन किंग पिन उसे रोक देता है एंड तभी वो जॉय के पास आता हुआ अपनी छड़ी घुमाता है एंड उसे खोलकर वो पिंक पाउडर यानी कि न्यूरोटॉक्सिन हल्क के ऊपर स्प्रे करता है, हल्क यानी कि जॉय फिक्सिट। एंड इसके बाद किंग पिन जॉय को माइकल को मारने का ऑर्डर देता है बट उल्टा जॉय किंग पिन को ही उठाकर नीचे पटक देता है और ये देख के किंग पिन बहुत हैरान होता है, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि अब तुम्हारी गैस का उस पर कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि उसने नोज फिल्टर लगा रखे हैं और उसके पास एंटीडोट है। एंड इसके बाद जॉय फिक्सिट किंग पिन को उठाकर नीचे पटकने वाला था कि तभी राइनो उस पर अटैक कर देता है एंड दोनों कैसीनो में जा गिरते हैं। एंड तभी वहां पर एक और सुपर विलन की टीम की एंट्री होती है जो कि आते किंग पिन के ऊपर अटैक करने लगते हैं लेकिन राइनो उसे बचा लेता है। तभी स्पाइडरमैन उन सबसे फाइट करने लगता है एंड जॉय फिक्सिट भी वहां पर आकर उनसे भिड़ने जाता है। एंड तभी हाइड्रोमैन राइनो पे अटैक करता है एंड उस अटैक की रेंज में जॉय फिक्सिट भी आ जाता है, जिस बात का फायदा उठाते हुए फ्लैश अपने इलेक्ट्रिक रॉब से जॉय फिक्सिट को बहुत जबरदस्त झटका देता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर स्पाइडरमैन अपने वेब से जॉय फिक्सिट को उस पानी से निकालता है बट जॉय फिक्सिट का वेट बहुत ज्यादा था जिस कारण स्पाइडरमैन जिस सीलिंग से चिपका था वो टूट जाती है एंड वो सीधा नीचे आकर किंग पिन की बाहों में गिरता है। एंड ये मोमेंट स्पाइडरमैन एंड किंग पिन दोनों के लिए बहुत ऑकवर्ड था तो स्पाइडरमैन जल्दी से नीचे उतरता है और किंग पिन से कहता है कि देखो ये जो कुछ विवाह हम दोनों के बीच ही रहे, जिस पे किंग पिन बड़े खट्टा सा मुंह बनाकर कहता है एग्रीड। एंड इसके बाद वहां पर एंट्री होती है इलेक्ट्रो की एंड हमें रिवील होता है कि उस विलन टीम को इलेक्ट्रो ने बुलाया है क्योंकि वो अभी यहां पर इस कैसीनो पे टेक ओवर करना चाहता है एंड वो किंग पिन को धोखा देकर पूरे ही वेगस की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेता है एंड सुपर चार्ज हो जाता है। एंड इसके बाद वो पहला झटका देता है जॉय फिक्सिट को एंड जॉय फिक्सिट अनकॉन्शियस हो जाता है एंड स्पाइडरमैन पे भी वो अटैक करता है लेकिन स्पाइडरमैन उसे डॉच कर लेता है। एंड फिर स्पाइडरमैन जॉय फिक्सिट को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठता तो अभी स्पाइडरमैन कहता है कि मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, मुझे इसे CPR यानी कि माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। एंड इसके लिए वो अपना मास्क उतारकर जॉय फिक्सिट को किस करने वाला होता है कि तभी जॉय फिक्सिट उठ जाता है और वो कहता है कि अगर तूने मुझे किस किया तो मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। तो स्पाइडरमैन कहता है यार मैं तो हेल्प कर रहा था। एंड इसके बाद जॉय फिक्सिट कहता है कि मेरे कंधे पर चढ़ो जल्दी, मेरे पास एक प्लान है। एंड इधर इलेक्ट्रो पूरी पावर के साथ स्पाइडरमैन एंड जॉय फिक्सिट की ओर चार्ज करता है एंड दूसरी तरफ से हाइड्रोमैन उन पे चार्ज करता है एंड तभी जॉय फिक्सिट स्पाइडरमैन को लेकर बीच में से कूद जाता है एंड इलेक्ट्रो एंड हाइड्रोमैन दोनों आपस में ही टकरा जाते हैं जिसके कारण बहुत ही तगड़ी शॉक वेव पैदा होती है एंड वो दोनों वहां पर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एंड यही बात का फायदा उठाकर किंग पिन वहां से भाग निकलता है एंड स्पाइडरमैन बाकी सभी गुंडों को ठिकाने लगाता है और माइकल डैमेज कंट्रोल को कॉल कर वहां पर बुला लेता है एंड सब कुछ अब उनके कंट्रोल में था। तो जॉय फिक्सिट कहता है कि वो स्पाइडरमैन को लॉस वेगस घुमाना चाहता है, माइकल कहता है कि खुशी से। एंड इसके बाद स्पाइडरमैन एंड जॉय फिक्सिट दोनों ही पूरी रात लॉस वेगस में मजे करते हैं। सो ये थी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ जॉय फिक्सिट AKA ग्रे हल्क। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो लाइक करना एंड शायद मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ, पक्का नहीं कह सकते। सो बाय।